नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज बात करेंगे लाउड स्पीकर के उस शोर की जिससे सोनू निगम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव और अब यूपी सरकार में मंत्री राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला परेशान हो गए हैं। मंत्री ने तर्क दिया है कि दिन में 5 बार लाउड स्पीकर से होने वाली अजान से उनके कई काम प्रभावित होते हैं। इतना ही नहीं, मस्जिद से होने वाले ऐलान और चंदे की मांग से उन्हें पूजा पाठ से लेकर शासकीय कार्य करने में दिक्कत होती है। यानी सवाल शोर पर है तो फिर धार्मिक बवाल क्यों? क्योंकि कई मौलानाओं ने इस पर अफसोस जताया, नाराजगी जताते हुए इसे धार्मिक चश्मे से देखा है। साथ ही राजनीतिक दलों ने भी इस पर बयानबाजी शुरू कर दी है। मांग तो यह भी उठने लगी है कि लाउड स्पीकर हर जगह से हटने चाहिए। बात करेंगे इस मुद्दे पर, खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। मस्जिदों में अजान कैसे हो, खुदा की इबादत की आवाज कितनी ऊंची हो, इस पर सवाल कई बार हो चुके हैं। कभी सोनू निगम, कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति, तो अब यूपी सरकार के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल। आनंद स्वरूप शुक्ल ने बलिया के डीएम को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा कि मस्जिद के लाउड स्पीकर परेशान करते हैं। मंत्री का कहना है कि सिर्फ अजान की तेज आवाज ही नहीं, कभी धार्मिक प्रचार तो कभी चंदे के लिए उठने वाला शोर उनके योग ध्यान में, सरकारी काम में और पूजा पाठ में परेशान करता है। मंत्री जी का कहना है कि सिर्फ वो नहीं, छात्र छात्रा, बुजुर्ग और बीमार भी बहुत परेशान है। तो मैंने जिला अधिकारी को लिखा है कि ये अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए कि एक तो जो उनके अधिक मात्रा में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उतरने चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं उनकी नींद खराब होती है। अब आप देखिए, मदीना मस्जिद के पास 3-3 मस्जिदें यहाँ बन गई हैं, काजीपुरा से लेकर के यहाँ पर महर्षि बाल विद्या मंदिर है, यहाँ सेंट जोसेफ स्कूल है, सतीश चंद्र कॉलेज है, लक्ष्मीराज देवी इंटर कॉलेज है, और दिन भर सवेरे से लगातार इनकी तकरीरें, इनकी आवाज़ें, ऊँची आवाज़ें, ये निश्चित रूप से लोगों को परेशान कर रही है। मंत्री जी लाउड स्पीकर हटाने की मांग कर रहे हैं तो विपक्ष को इसमें सियासत दिखती है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि चुनावी वक्त में बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, तो कांग्रेस का कहना है कि अगर लाउड स्पीकर बैन हो तो सभी जगह के। जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, भारतीय जनता पार्टी विकास का काम तो गिना नहीं पाएगी, क्योंकि उन्होंने कोई काम किया नहीं है, इसलिए वो जाति धर्म की राजनीति पे जोर देगी, जाति धर्म की राजनीति पे जोर दे रही है। ये जाति धर्म की राजनीति होती है, समाज के लिए आपस में नफरत पैदा करती है, समाज को तोड़ती है। समाज को एक रखने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए हमें विकास की राजनीति करेगी, जो भारतीय जनता पार्टी करना नहीं चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति पे जोर देगी और हमें इस भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना हो। लाउड स्पीकर को बैन करना है तो सारे धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर को बैन कर दीजिए, वरना हाईकोर्ट का आदेश मानिए कि एक ध्वनि सीमा के ऊपर कोई भी किसी भी धार्मिक स्थल का लाउड स्पीकर न बजे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए काम बहादुर बने, बात बहादुर न बने। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता अब आपके भ्रम में नहीं आने वाली। ये बात हुई सियासत की, लेकिन मामला धार्मिक है तो साधु संतों को सुनिए जो मंत्री के समर्थन में है और बेवजह के शोर पर सवाल उठा रहे हैं। और मौलाना है जो अजान की आवाज उठती आवाजों पर लगाम लगाना चाहते हैं। इस लहजे में कि ऐसा हुआ तो देश के हालात भी खराब हो सकते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हिंदुओं को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदुओं से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं, जिसके अंदर अब उत्तर प्रदेश के बड़े ओहदों पर बैठे हुए मंत्री भी उस खेल को खेलने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैं केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकारों से ये ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की तरफ से ये गुजारिश करता हूँ कि इस तरीके से मंत्रियों के ऊपर, कुलपतियों के ऊपर और इस तरीके की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोगों के ऊपर लगाम लगाएं, वरना देश के हालात खराब हो सकते हैं। तो अब सवाल ये कि क्या शिकायत धर्म की है या आवाज की, शिकायत शोर की है या रिवाज की। वैसे डीएम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से कार्रवाई होगी, तो सवाल यही कि जब बात अपने अधिकारों की हो, कानून के मेयारों की हो, तो फिर सामान्य सवालों पर धार्मिक बवाल क्यों हो।
ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हरीश श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। सुचि विश्वास हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ विवेक सायलेश जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और यासूब अब्बास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। थोड़ी देर बाद हम कोशिश करेंगे कि मंत्री हमारे साथ जुड़े और आनंद स्वरूप शुक्ला से भी हम सवाल करेंगे। मैं सबसे पहले यासूब अब्बास जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि इस पर अफसोस भी जताया है, आपकी तरफ से भी अफसोस जताया गया है। लेकिन उनका कहना यह कि अजान भी होती है, चंदा भी मांगा जाता है और लाउडस्पीकर दिन भर में कई मर्तबा बजते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि दिक्कत जो है वो शोर से है, अजान से नहीं है? देखिए, शोर को जरूर रुकना चाहिए, मगर अजान के ऊपर अगर से कोई उंगली उठाए तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। बिल्कुल ठीक। अजल से न यहाँ के ऊपर मंदिर के बजने वाले घंटों पर किसी मुसलमान ने एतराज किया, न मस्जिद में होने वाली अजान के ऊपर किसी हिंदू ने एतराज किया। इसके पीछे सियासत है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति महोदया ने जिस तरीके से इसके ऊपर आवाज़ उठाई, और उससे पहले सोनू निगम ने, और अब उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मेदार मंत्री बाकायदा इसके ऊपर एतराज जता रहे हैं। मुझे इसको लेकर सख्त एतराज है, इसलिए कि हमारे मुल्क की तहजीब, हमारे मुल्क का तमद्दुन, हमारा मुल्क इसी में पहचाना जाता है कि यहाँ के ऊपर हिंदू का दरवाजा मुसलमान के दरवाजे से सटा हुआ है। मगर अगर से मंदिर के बजने वाले घंटे और मस्जिद का लाउड स्पीकर जिसके ऊपर अल्लाह अकबर की अजान की आवाज सुनाई दे रही है, किसी को यह आवाज तो सुरीली लगती है, किसी को यह आवाज से मजहब के अंदर जाने की और अपनी इबादत करने की मौका मिलता है, कुछ लोगों को एतराज होता है। तो बहरहाल ऐसी इस तरीके की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं वो मंत्री, इसलिए कि मोदी जी सबको साथ ले चलने की बात कर रहे हैं, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, और प्रदेश सरकार के मंत्री लाउड स्पीकर उतरवाने की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल जो है वो यही था कि दिक्कत जो है उन्हें शोर से है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अजान का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा कि मस्जिद से चंदे की भी मांग की जाती है और भी तकरीरें मस्जिद से की जाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो शोर है दिक्कत उससे है? देखिए, अगर कहीं के ऊपर शोर है तो उसको जरूर रुकवाना चाहिए। अजान अलग है, शोर अलग है, दोनों को एक साथ में मिला के अजान को बदनाम न किया जाए, इसलिए कि अजान अजल से होती चली आ रही है और होती रहेगी। अजान किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका जरूर पालन होता है। यह बात जो कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट का रात को 10 बजे है, 10 बजे रात को कोई अजा नहीं होती है, 10 बजे रात के बाद में। सुबह 6 बजे तक के है तो सुबह अजा होती है, जिस वक्त सूरज निकलने से चंद मिनट पहले, सबको मालूम है नमाज सुबह का वक्त, उस वक्त अजा होती है। और अजा खुद लोग अवॉइड करते हैं, अब रमज़ान आ रहा है, ये शाबान का महीना है, हिंदुस्तानी हिसाब से रमज़ान का महीना है। हम लोग भी अपील करेंगे लोगों से कि सहरी के वक्त के ऊपर जो लोगों को जगाया जाता है, कम से कम शोर का कम से कम इस्तेमाल हो। मगर अगर अजा को लेके एतराज किया गया तो हम उसकी मुखालिफत करेंगे। ठीक है। और इस समय हमारे साथ खुद राज्य मंत्री जुड़ चुके हैं, मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी भी हमारे साथ आ गए हैं, उनसे पहला तो मेरा सवाल यही है कि अब्बास जी हैं, वो कह रहे हैं कि अजान से जिसको दिक्कत होगी उसकी हम निंदा करते हैं, आपको दिक्कत है अजान से या शोर से दिक्कत है? मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि अजान से किसी धर्म के धार्मिक कार्यक्रमों से कोई दिक्कत नहीं है, वो जितनी बार चाहें अपनी मस्जिद में, अपने घर में जो भी उनके कार्यक्रम है वो करें। हमें दिक्कत केवल यह है कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो ध्वनि विस्तारकों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। दूसरी बात कि दिन भर में जो अजान मस्जिदों के लाउड स्पीकर जो अत्यधिक संख्या में लगाए गए हैं उनको जरूर कम होना चाहिए, और जितना डेसिबल साउंड होना चाहिए उतना ही रखना चाहिए। छोटे बच्चों को सोना उनका अधिकार है, उसमें खलल होता है, विद्यार्थियों को पढ़ने में खलल होता है, अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं शोर शराबे से। निश्चित रूप से वो अपने कार्यक्रम जारी रखें, लेकिन एक चीज मेरा, एक और मेरा सवाल है, क्योंकि
ऐसा तो नहीं है कि अजान आज से हो रही है या स्पीकर आज से लगे हुए हैं, लेकिन आज ही ऐसा क्यों लगा कि शोर बहुत ज्यादा हो गया? नहीं, इसलिए लगा, स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जहाँ बलिया में निवास करता हूँ सतनी सराय में, वहां से 1 किलोमीटर दूरी पर 3 मस्जिदें हैं और वहां पर एक मदीना मस्जिद है। हम लोग भी चलिए स्वीकार करते हैं, आप अजान करते हैं 3-4-5 मिनट के लिए, उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मदीना मस्जिद से प्रातः काल रोज 6 बजे से और दिन में 12 बजे तक मस्जिद का तामील हो रहा है, चंदा दीजिए 10 रुपया फलाना ने दिया, 20 रुपया इन्होंने दिया, लगातार 6 घंटे बहुत तेज आवाज में मुझे अपने कार्यालय को आवास को छोड़ के जाकर के दूसरे जगह बैठना पड़ रहा है, मैं एक फोन नहीं कर पा रहा हूँ, योग व्यायाम पूजा पाठ कुछ भी करिए तो उसमें इतने आवाज में 1 से 1.5 किलोमीटर रेडियस में उसकी आवाज जा रही है और आप आइए पैसा दीजिए 10 रुपया इन्होंने दिया, 5 रुपया इन्होंने दिया, नाम बोलते रहना, ये कौन सी ऐसी परंपरा है? तो निश्चित रूप से जो बार बार लोग शिकायत करते थे वो शिकायतें फिर आई हमारे पास और मैं भी इस बात से बहुत पीड़ित हुआ कि आखिर ये मान ही नहीं रहे हैं। मैं सोचा चलिए 2 दिन में बंद हो जाएगा, 15-20 दिन से लगातार ये चल रहा है, तब मुझे जिलाधिकारी को लिखना पड़ा। ठीक है, मैं एक छोटा सवाल यासूब अब्बास जी आपसे करता हूँ, फिर मैं बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल करूंगा। क्या मस्जिद में जो लाउड स्पीकर लगा है अजान के अलावा वहां से और संदेश भी दिए जाते हैं कि भाई साहब ने इतना चंदा दे दिया है वो भी बताया जाएगा, किसने 20 रुपए दिए हैं वो भी बताया जाएगा, इससे दिक्कत है? देखिए, अजान के अलावा उस लाउड स्पीकर पर किसी संदेश देने की इजाजत नहीं है। हाँ, कभी कभी किसी बड़ी शख्सियत का अगर इंतकाल हो जाता है तो मस्जिद से उसके इंतकाल की खबर दी जाती है। और यानी ये भी आप गलत मान रहे हैं कि जो चंदे की तकरीर दी जा रही है या जो भी जैसा मंत्री आनंद स्वरूप कह रहे हैं, अगर ऐसी बातें हैं तो ये गलत है। काजीपुरा में मैंने मंत्री जी की पूरी बात सुनी, मंत्री जी को अपना थोड़ा सा वजाहती बयान जारी करना चाहिए, वजाहती बयान ये जारी करना चाहिए, मैसेज पूरे इंडिया में ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मंत्री जी को अजान से तकलीफ है। मोदी जी सबको विश्वास की बात कर रहे हैं, सबको साथ ले चलने की बात कर रहे हैं। मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर वो कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं, फिर एक एक कमेंट में सियासी दलों का भी लूंगा। अगर हिंदुओं का योगदान है तो मुसलमानों का भी योगदान है, नहीं कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन कम से कम अपने इस बयान को वादे करना चाहिए कि अजान से हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो वो कुछ कह रहे हैं यासूब अब्बास, एक सेकंड, वो कुछ कहना चाहते हैं, कहिए आनंद जी, कहिए। ये विषय नहीं है, मैं चाहूंगा कि मैंने जो पत्र लिखा है कृपया आप उसको एक बार पढ़ लें। अजान पे रोक लगाने कहीं कोई मांग नहीं है, केवल उसमें यह बात कही गई है कि जो अधिक संख्या में लाउड स्पीकर लगाए गए हैं और जो उनकी ध्वनि सीमा ज्यादा है उसको सीमित किया जाए और अत्यधिक संख्या में जो लाउड स्पीकर लगे हैं उनको उतारे जाएं और जो विभिन्न प्रकार के दिन भर संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं उन पर जरूर रोक लगाई जाए, मैंने ये बात कही है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि सर इस पर सियासत भी हो रही है। तो समाजवादी पार्टी का एक वीडियो वायरल कर दीजिए तो बहुत अच्छा है। नहीं नहीं सर, अगर वो कह तो नहीं आपसे कर दे तो बहुत अच्छा है। यासूब अब्बास जी, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मैंने बहुत अच्छा चला आप अध्यक्ष हैं सर, वो आपसे बगल में बैठ के कह रहे हैं, मीडिया ने तो, और मैंने इसलिए आप दोनों को बुलाया है। मंत्री जी अजान के खिलाफ हैं। नहीं नहीं, मैंने इसलिए दोनों को बुलाया सर क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे अजान से दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चंदे की बात भी और तमाम चीजें लाउड स्पीकर पे बताई जाएंगी तो दिक्कत है। बात है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेरे लेकिन आज मीडिया कर्मी वहां गए थे, जो पास में 4 विद्यालय हैं, हाँ। वहां के छात्र छात्राओं ने भी कहा है कि हमें बहुत परेशानी हो रही है दिन भर जो अनाउंसमेंट। एक मिनट आनंद जी, इस पर सियासत भी हो रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कहा कि चुनाव आते हैं और भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दे उछालती है। विवेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, मंत्री आनंद जी ने साफ कर दिया कि मेरे भी बहुत सारे काम है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, उन्होंने बताया दिक्कत शोर से है उन्हें, फिर धार्मिक एंगल क्यों? मृदुल जी, आपका सवाल किससे है? विवेक जी मृदुल जी, सवाल आपका किस? विवेक जी, अच्छा मुझसे? जी मृदुल जी, आवाज थोड़ी आपकी कट रही थी इसलिए समझ नहीं आया अपना नाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी अब 1 साल से भी कम रह गया उत्तर प्रदेश में चुनाव होने की, तो ये सब उसकी शुरुआत है जिस तरह से ये लोग करना चाहते हैं, क्योंकि 4 साल के कामों को बताने के लिए इनके पास ज्यादा कुछ है नहीं। और अगर आप देखिए तो एक झांसी की भी घटना हुई थी अभी, कली की घटना या परसों की, वहां पर 4 सिस्टर लोग केरल जा रही थी ट्रेन में, उनको झांसी में जबरदस्ती उतार दिया गया कि धर्मांतरण हो रहा है। बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था और उनके सर्टिफिकेट तक चेक किए, उनको जबरदस्ती झांसी के रेलवे स्टेशन पर उतार दिया जाए। तो ये जो जाति और धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नफरत की राजनीति फैलाना चाहती है,
ये सरासर गलत है, इससे ना देश ना प्रदेश का भला होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को इस समय बताना चाहिए कि बेरोजगारी क्यों बढ़ गई है और आपका ये लॉ एंड ऑर्डर पे वो क्या कर रहे हैं, महंगाई आखिर इतनी क्यों लगातार बढ़ती जा रही है, लोग इतने बेरोजगार सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं, महिलाएं इतनी असुरक्षित क्यों हैं, व्यापारियों के साथ वो क्या कर रहे हैं, इस पे ये बात नहीं करना चाहते हैं। ये सिर्फ जाति और धर्म की बात करके लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। आप बंगाल में देख लीजिए, बंगाल में भी यही हाल हो रहा है, वहां इन लोग कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये कहीं किसी एक मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं, लेकिन बंगाल में वहां क्योंकि उनको सूट करता है इसलिए वहां दे देते हैं। वहां मजारों पे भी जाते हैं, मुकुल रॉय अभी मजार पे होकर आए हैं वहां पर। और अभी आपका आपका ही रिपोर्ट दिखा रहा था कि हाईकोर्ट ने कहा कि बिजली आपूर्ति की जाए किसानों के लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली जा रही है। नहीं, सारी बातें लोकतंत्र की जो प्रक्रिया होती है विवेक जी, उसमें की जाती है, हर मसले पर बात होती है, हर मसले पर तर्क और वितर्क किए जाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि शोर पे उन्हें दिक्कत है, यहां पर धर्म की बात कहां से आ गई, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि शोर से दिक्कत है, अगर कोई 20 रुपए चंदा दे रहा है तो मस्जिद से ऐलान नहीं होना चाहिए। मृदुल जी, हाँ जी, देखिए इसको कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ा जा रहा है, जैसा कि अभी मंत्री जी ने भी कहा और जो मौलाना साहब बैठे थे उन्होंने भी कहा। खैर, मंत्री जी की बात गई, लेकिन इस तरह की जो एक परसेप्शन जो लोगों के अंदर क्रिएट हो जाता है, ये कहीं ना कहीं जाति को बांटने की बात करती है। समाजवादी पार्टी इस बात का समर्थन करती है कि जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसको जरूर फॉलो करना। ठीक है, मैं सुची विश्वास जी को चर्चा में ले आता हूं। फॉलो करते हुए सुची विश्वास जी को चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा कि बैन तो सब पर लगना चाहिए। सुची विश्वास जी, सब पर बैन लगना चाहिए, चाहे मंदिर में जो फिजूल के डीजे बजते हैं या मस्जिद में लाउड स्पीकर लगते हैं। कांग्रेस को लगता है सबको हटा देना चाहिए। देखिए, पहली चीज तो ये है कि फासिस्ट ताकतें पावर में हैं, तो हमें इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि जो भी बयान आएंगे वो ध्रुवीकरण को आधार बनाकर आएंगे, क्योंकि राजनीतिक दुकानदारी मंत्री जी की मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी पर चल रही है। तो भ्रष्टाचार हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, बिजली की कीमतें हो, पानी की कीमतें हो, बेरोजगारी हो, उन विषयों पर जीडीपी जीएसटी इस पर बात ही नहीं करना है। हमें इस बात पर बात करना है कि लव जिहाद कहाँ है, तो लिंचिंग कहाँ है, तो हलाला कहाँ है, क्योंकि ये प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। दूसरी बात, एक्सेसिव हॉन्किंग इज एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, ना केवल मंदिर मस्जिद। अगर हम डेसिबल की गाइडलाइंस की बात करें, इससे एनिमल्स को बहुत तकलीफ होती है, और इसके बियॉन्ड मैं खुद जहां रहती हूं कई ए प्लस कैटेगरी के रिजॉर्ट्स मेरी चारों तरफ हैं, और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए, लेकिन सहालग में 2:30 बजे रात तक जो डीजे चलता है तो हम लोग नहीं सो पाते। दूसरा महत्वपूर्ण बात, मंत्री जी ने कहा कि योग, प्राणायाम, व्यायाम इत्यादि में समस्या उत्पन्न होती है, पूजा पाठ में। तो हम उस धर्म को बिलोंग करते हैं जहां प्रकृति में सर्वत्र मौन है, शब्द ब्रह्म है, शब्द नाद है। तो यदि मंत्री जी को स्वयं अपने आचरण, धर्म, पूजा पाठ और हृदय में उन्होंने मौन को स्थापित नहीं किया, और इतना उनका मनोबल और ईश्वर में आस्था इतनी कमजोर है कि वो 1.5 किलोमीटर के स्वर से उन्हें विरक्ति होती है या उन्हें उत्कंठा उत्पन्न होती है, तो मुझे तो लगता है कि उन्हें थोड़ा विपश्यना या साधना इत्यादि के लिए जाना चाहिए। तो जब अच्छा, एक छोटे सवाल में अंतर मन की यात्रा होगी तो डेफिनेटली। आनंद जी आप मेरे साथ बने रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं दोनों से सवाल करूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। सीधे रुक करेंगे, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक सवाल में मंत्री आनंद स्वरूप जी से लूंगा, उसके बाद हरीश जी आपके पास आऊंगा, और जगत गुरु दिनेशाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंत्री आनंद स्वरूप जी, हरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कि मैं अपने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मित्रों को जवाब दे दूं, और यासूब साहब ने भी कुछ सवाल उठाए थे उसका जवाब दे दूं, फिर आप जाइए दूसरे के पास। बस मैं आपके पास ही आ रहा हूं हरीश जी, तुरंत मैं मंत्री आनंद स्वरूप जी से एक सवाल करना चाह रहा था, क्योंकि सूची विश्वास ने डायरेक्ट ही उनसे सवाल किया था। इसलिए मंत्री आनंद स्वरूप जी, उनका कहना है कि पूजा में आपकी खलल डल रहा है, तो आपके जो ध्यान करने की क्षमता है उस पर उन्होंने सवाल उठा दिया। आनंद जी आप सुन पा रहे हैं मुझे?
फिर कोशिश के पास जाने की। हरी जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीधे देखिए मृदुल जी, हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष मई में एक अपने आदेश में होल्ड किया था कि अजान इस्लाम के रिचुअल का हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान हो ये इस्लाम के रिचुअल का हिस्सा नहीं है। और सुची विश्वास जी हो या असूब साहब हो या विवेक जी हो, सबको शोर से तकलीफ होती है। और आज आनंद जी ने यह बात उठाई और संगीता श्रीवास्तव ने बात उठाई, तो आप इसको स्क्रीन पे प्ले कर रहे हैं, इस पे डिबेट कर रहे हैं। कॉमन मैन आए दिन ये बात कहता है। आप किसी मोहल्ले में चले जाइए जहां ये अजान होते हैं दिन में 5-5 बार, हर व्यक्ति परेशान रहता है। लेकिन आज कुछ विशेष लोगों ने सवाल उठाए तो आप इस पे डिबेट कर रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के एक चर्च वर्सेस वहां के कॉलोनी के लोगों ने, केकेआर हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने मुकदमा किया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि हमारी धार्मिक आजादी किसी के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप का इजाजत नहीं देती। ठीक है, तो सवाल इस चीज का है कि क्या जब बिजली नहीं थी तो अजान नहीं होती थी? आज आप एक एक मस्जिद पे 5-5 लाउड स्पीकर लगा करके और शोर फैला रहे हैं, तो ये तरीका गलत है। सबको एक पढ़े लिखे, मेरा एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट एक बहुत जहीन व्यक्ति हैं, मैं उनकी बहुत हृदय से इज्जत करता हूं, लेकिन जो इस पर मेरे जो समाज के लिए तकलीफ दे है, जो लाउड स्पीकर मस्जिद में लगे हुए हैं के लिए तकलीफ दे है। सर मंदिरों में स्पीकर तो नहीं लगे, लेकिन वहां से भी कई लोगों को शोर होता है, कई लोगों को दिक्कत होती है, तो सभी चीजें सभी जगह पर अप्लाई होनी चाहिए, मस्जिद के लिए नहीं। बिल्कुल मैं इसका समर्थन करता हूं कि चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू, सभी को इसका जो माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन है, जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की गाइडलाइन है, उसका सबको पालन करना चाहिए। और जो विवेक जी ने बात कही और जो सुची जी ने बात कही, जो लोग जात पात और संप्रदाय की राजनीति करके अब तक सत्ता की रोटी सेकते रहे, उनको तो इस बात से उनको समाज को असली बंटवारा तो वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास पर ही काम करती है। राम दिनेश आचार्य आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो ये धर्म संप्रदाय जात पात के नाम पे प्रचार करते हैं। मेरी जो कोशिश है वो यही है, क्योंकि देखिए आप सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पर धर्म जाति की बात कर, मेरी जो कोशिश है वो यही है, क्योंकि देखिए आप सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पर धर्म जाति की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा मूल सवाल वही है कि यहाँ पर दिक्कत जो है वो शोर से है, लेकिन इसे धार्मिक चश्मे से तोला जा रहा है, देखा जा रहा है। मैं जगतगुरु रामदिनेश आचार्य जी आपको भी चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि संतों ने इस बात का समर्थन किया है, क्या आप उस बात का भी समर्थन करते हैं कि मंदिरों में जो स्पीकर लगे हुए हैं फिजूल में, वहां से भी ऐलान होते हैं कई मरतबा, उन पर भी रोक लगना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर चर्चा लाउड की हो रही है, तो जब लाउड की बात होती है तो उससे सबको परेशानी होती है, लेकिन क्या है कि यहाँ किसी भी मुद्दे को तुरंत धार्मिक चश्मे से देखा जाता है। अब कल गाड़ियां बंद होगी और डीबेन लगेगा तो उसमें नंबर होगा तो कहा जाएगा कि ये भी धार्मिक है, इनका बंद हुआ उनका, ये सब नहीं है। अगर मानव को जीना है और निश्चित रूप से जो भक्ति है वो भक्ति अंतस चेतना का विषय है, वो शोर शराबे का विषय बिल्कुल नहीं है। इस चेतना को हिंदू और मुसलमान दोनों को जागृत करना होगा, और दोनों इस अवस्था पर जब स्थापित हो जाएंगे तो ये झंझट समाप्त हो जाएगा। बस इसका राजनीतिक टूल ना दिया जाए, अगर राजनीतिक टूल हर प्रश्न का दिया जाएगा तो इस देश में किसी बात का समाधान नहीं होगा। और घुट घुट कर ये कोरोना जैसी महामारी इसीलिए आती है जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, किसी न किसी प्रकार से हम प्रकृति के का दोहन करते हैं, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो मृदा प्रदूषण हो, तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा पूरे विश्व को, पूरे देश को भुगतना पड़ता है। इसको धार्मिक नजर से न देखकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जितने भी हैं उन सबको जितने मानक सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके अनुसार ही बजाना चाहिए, और इस पर किसी प्रकार की राजनीति और धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। विवेक सैलज जी, दिनेश आचार्य भी वही बात कह रहे हैं जी, किसी धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, शोर तो हर जगह हो रहा है, शोर तो शोर होता है, वो कैसा भी शोर हो दिक्कत तो होती है उससे, आपको भी हो रही है। हरीश जी कह रहे हैं जी, देखिए ठीक है, बात नॉइस पोल्यूशन की हो रही है, मैं आपकी बात समझ गया, नॉइस पोल्यूशन हो चाहे एयर पोल्यूशन हो चाहे वाटर पोल्यूशन हो, ये बिल्कुल बहुत खराब है,
हमारे वातावरण के लिए। तो नॉइस पोल्यूशन मैंने पहले भी कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए नहीं है। लेकिन सवाल हमारा ये था कि भारतीय जनता पार्टी क्या और मुद्दों पे बात नहीं कर सकती है? एयर पोल्यूशन को ही ले लीजिए, तो अकेले उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड के साथ डिबेट पे, वर्ल्ड के साथ दुनिया के साथ सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। अभी सर्वे आया था कुछ दिन पहले, हमारी आपकी शायद इस मामले में डिबेट भी हुई थी, उस पर कोई चर्चा नहीं करता कि किस तरह से हम जहरीली हवा अंदर ले रहे हैं। और आप स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं कि हम स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं, आप ऐड देते हैं कि हम स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं। तो इस तरह की ये फर्जी बातें करना छोड़ दीजिए। आप ये बताइए ना कि आपने समाज को आखिर दिया क्या है, आपने प्रदेश की तरक्की के लिए क्या किया है, आपने हमारे नौजवानों, अरे ये तो वो प्रदेश है जहां 28 आत्महत्याएं रोज होती हैं मृदुल जी, जहरीली शराब से लोग मर जा रहे हैं जो कि ठेकों से मिल रही, भ्रष्टाचार वहां तक बढ़ गया है, 3 बेरोजगार उत्तर प्रदेश में रोज आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर बात नहीं हो रही है। और चलिए कम से कम मंत्री जी की बात डीएम साहब ने मान ली, नहीं तो मुख्यमंत्री जी का तो फोन 40 जिले के डीएम और कमिश्नर उठा नहीं रहे हैं, यहां तक कि गोरखपुर का डीएम इतनी भी जहमत नहीं उठाता है कि मुख्यमंत्री जी का फोन उठा ले। ये तो हालत है उत्तर प्रदेश की, और आप बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया। तो ये फर्जी बातें ना करके जो जनता की समस्याएं हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी ध्यान दे, खासतौर से जो आजकल महंगाई की समस्या है, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है, डीजल पेट्रोल एलपीजी ने कमर तोड़ दी, ऊपर से आप लगातार टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो इस पे आप लोग कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। और ये जात पात की राजनीति से, मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि जात और जाति पाति की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है ना, इससे प्रदेश का भला होने वाला है ना देश का भला होने वाला। बिल्कुल, और एक समय लगातार इसको लेकर पहले भी सवाल उठते रहे, एक बार फिर ये चर्चा में है। हरीश जी, इसके पीछे क्या वाकई सियासी वजह है? मैंने हालांकि पूछा भी मंत्री आनंद स्वरूप से, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, पहले मुझे दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब वहां पर रोज इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, 15-20 लाउड स्पीकर लगा दिए गए। मृदुल जी, मैंने एक बात कही ना कि इससे तकलीफ सबको हुआ है, चाहे यासूब साहब हो, विवेक जी हो, सुची जी हो, मैं हूं, तो डर के मारे नहीं बोलना चाह रहे आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं, उनकी आवाज आप लोगों तक पहुंच नहीं पाती। आज दो प्रमुख लोगों ने सवाल उठाई, सवाल खड़ा किया, तो आप इस पे डिबेट करा रहे हैं। ये जो महत्वपूर्ण विषय है, इसको सबको राजनीति के चश्मे से न देख करके, बल्कि एक जो सामाजिक जीवन है और जो उसके लिए बहुत नितांत आवश्यक है, उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और हर बात में राजनीति को ला करके खड़ा कर देना, आखिर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, विवेक साइलर जी अगर बहुत ये लोग जागरूक लोग थे तो उस समय इस पे रोक लगा दिए होते, उस समय इस तरह की व्यवस्था बना दिए होते। तो ये जो बातें कही जाती हैं, और जो लोग सबसे ज्यादा धर्म और जात की राजनीति करते हैं, वही लोग दूसरे के ऊपर धर्म और जात कह रही है ना, उन्होंने तो कुछ कहा नहीं सर, कांग्रेस पार्टी रही है, तो आपके बगल में बैठी हुई है, उन्होंने तो सीधे कह दिया कि सब जगह से हटा देना चाहिए, ये स्पीकर लाउड स्पीकर हटाइए। अगर आधुनिकता को आप जोड़ रहे हैं धर्म में, तो सभी धर्मों में जुड़ी हुई है, हटाइए सबको। बिल्कुल, मैंने तो यही बात कही कि सबको एक साथ, सभी के साथ, सभी धर्मों के साथ, जो माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन है, माननीय हाईकोर्ट की जो गाइडलाइन है, उसके तहत ही सबको उसको अंगीकार करना चाहिए और समान रूप से उसका अनुपालन करना चाहिए। सुचि जी, हरीश जी तो कह रहे हैं कि हम तो हाईकोर्ट ने जो कहा है, कोर्ट ने जो कहा है, वही मान रहे हैं, लेकिन ये सियासी चश्मा, ये धार्मिक चश्मा क्यों पहना जा रहा है? लेकिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ट्रैवल कराने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज को लेने के लिए, पॉलिटिकल पीपल स्पेशली दीज मिनिस्टर्स अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ऐसे देते हैं जो कि समाज में टॉक्सिसिटी बढ़ाता है, तो ये नैतिकता के भी विरुद्ध है और सामाजिक नियमों के भी विरुद्ध है। क्योंकि जब हम सार्वजनिक जीवन में हैं, मैं आभार व्यक्त करती हूँ दिनेश आचार्य जी का, और जो उन्होंने एक निष्पक्ष स्टेटमेंट दिया, मैं उनके वक्तव्य को उठाती हूँ आध्यात्मिक दृष्टि से, और राजनैतिक और सामाजिक बयान हरीश जी का, और दोनों को क्लब करके इस बात को कहती हूँ कि एक्सेसिव हॉन्किंग एनिमल्स के लिए बहुत बुरा है, इंसानों के छोड़िए, ईएनटी के बराबर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट इस बात को कंट्रोल कर पा रही है? ये जो बार है, डांस पार्टीज हैं, सहालग में रिजॉर्ट्स हैं, 1:30 बजे तक लगातार सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए
सैकड़ों रिजॉर्ट्स और ये लॉन्स में, और वो भी बहुत ही मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोमिनेंट स्टफ, वहां पर लगातार 1:30 बजे तक फुल वॉल्यूम में डीजे चलता है। तो जो सार्वजनिक जीवन में है, ऑलरेडी मिनिस्टर है, अगर उनको 1.5 किलोमीटर के दायरे में कोई तकलीफ है भी, तो मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर सामाजिक व्यक्ति होने के नाते ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो समाज में सद्भाव को नष्ट करते हैं, द्वेष को बढ़ावा देते हैं। तो अंततः नतीजा वही निकल के आता है कि आप अपनी आइडियोलॉजी को ट्रैवल कराने के लिए टॉक्सिसिटी में इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल तो ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि अभी आपके जगतगुरु साहब ने खुद कहा, देखिए विनोबा भावे जी ने कहा था कि एकांत और मौन आत्मा के परम मित्र हैं। तो अगर अंतर की यात्रा में ही मौन नहीं धारण करेंगे तो बाहर तो शोर दिखेगा ही, लेकिन पूजा पाठ के अलावा उन्होंने कहा मुझे शासकीय कार्य में भी दिक्कत होती है, ये समाज में उन्होंने तो ये भी कहा ना, पूजा पाठ में एक चीज पूजा पाठ है, देखिए पूजा पाठ होता है एक जो हर घर में किया जाता है, सबका इबादत का तरीका है, हम आप करते हैं, एक होता है पाखंड जो दिखावे के लिए किया जाता है। तो मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं समझती हूं कि कोई भी व्यक्ति यदि सार्वजनिक जीवन में है तो प्रथम दायित्व उसका है, और वो भी जब संवैधानिक पद पर है, कि वो समाज में सद्भाव बनाए रखे। अगर उसके वचनों से समाज में द्वेष उत्पन्न होता है, टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है, लोगों में विरोधाभास बढ़ता है, तो ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। जी, एक छोटा सवाल मेरा है, एज पर क्या बयानों से आपने कहा कि टॉक्सिसिटी बढ़ती है, तो क्या मस्जिद में लाउड स्पीकर की संख्या ज्यादा है और वहां से शोर हो रहा है, इस पर सवाल उठाना समाज में वैमनस्य पैदा कर देगा, या मंदिर में डीजे पर सवाल उठाना ऐसी स्थिति पैदा कर देगा? देखिए हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, और जैसा कि अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने भी कहा कि धार्मिक आजादी जो है वो मौलिक अधिकारों के हनन की इजाजत नहीं देती। तो समाज में बहुत सारी चीजें विवेक पर आधारित होती हैं, और ये व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वो एक नागरिक होने के नाते, सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, आने वाली रोजमर्रा की उन चीजों को कैसे हैंडल करे, कि पीस और हार्मनी भी सोसाइटी में हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर चीजें गलत है उनका सामना करिए, मगर उसको मुद्दा बनाना, फिर मैं वही आ जाती हूँ कि फिर लिंचिंग्स हो रही है, फिर लव जिहाद हो रहा है, तो फिर हलाला हो रहा है, फिर स्टेटमेंट को पोलराइज किया जा रहा है, तो वीसी साहिबा को दिक्कत है, बहुत सारे फिर, लेकिन फिर हम हॉन्किंग पे बात करेंगे, हम एनिमल्स पे बात करेंगे, हम क्लाइमेट पर बात करेंगे, एनवायरमेंट पे बात करेंगे, कान से जुड़ी हुई समस्याओं पर बात करेंगे, क्या डेसिबल स्टैंडर्ड्स हैं उन पर बात करेंगे। मैं दिनेश आचार्य को भी इस चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि इस घटना के बाद सुचि जी आपने दिनेश आचार्य को भी कोट किया, और मैं हाँ कह लीजिए हरीश जी क्या कहना है, कह दूं मृदुल जी आ रहा हूं, दिनेश जी एक सेकंड, जी ने जो बात कही हो संभव है कि सुचि जी ने विनोबा जी की साधना की को अपने आत्मसात कर लिया हो, लेकिन हर कामन व्यक्ति के लिए जो जिस सुचि जी जिस प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हैं, या आदरणीय दिनेशाचार्य जी जिस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, वो हर कामन मैन के लिए संभव नहीं है। अगर ये संभव ही होता तो साधु महात्मा क्यों जंगलों में चले जाते, क्यों गुफाएं तलाशते ध्यान साधना के लिए? तो ये जो सामाजिक वातावरण भी होता है उसकी भी संवेदनाएं लोगों को प्रभावित करती हैं, साधना की तो बात अलग है, लेकिन सामान्य जनजीवन में भी वो चीजें प्रभाव डालती हैं। और जहां तक बात टॉक्सिसिटी की है, ये हर बात को एक पॉलिटिकल कलर देना कि भाई अगर कोई बात अगर नहीं, तो मैं कहना चाह रहा हूं गलत हो रही है, मैंने तो शुरू से यही सवाल किया कि बात शोर की है तो फिर इसमें धार्मिक बवाल क्यों दे रहा है, क्योंकि शोर का जब जिक्र होता है, शोर का जब जिक्र होता है दिनेशाचार्य जी, क्योंकि ये भी कहा गया कि जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं अगर उन्हें दिक्कत हो रही है तो वो पाखंड कर रहे हैं, सुचि जी ने कहा, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर ये बात कही है। तो क्या आपको लगता है कि शोर शराबा हर जगह से खत्म हो जाना चाहिए? देखिए सबके अपने अपने विचार हैं, मैं किसी के पूजा पाठ या किसी के नृत्य को पाखंड या कुछ कहने के रूप में नहीं हूँ, बस ये जानता हूँ कि हमें का एक पर्यावरण एक व्यवस्था देनी पड़ेगी। अभी बीजेपी के हमारे प्रवक्ता ठीक बात कह रहे हैं कि जंगलों में लोग इसीलिए जाते थे, तो अब तो जंगल बचे नहीं है क्योंकि मनुष्यों ने जंगल को और पर्यावरण को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। तो निश्चित रूप से हमको अपना परिवेश ही इतना विशुद्ध बनाना होगा कि हमको कहीं जाने की आवश्यकता ना हो। चर्चा यहाँ हो रही है लाउड स्पीकर की, तो वो धीमा होना चाहिए, उसकी आवाज कम होनी चाहिए, किसी को भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हिंदू मुसलमान इसमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, निश्चित रूप से इस पर जोर देना चाहिए। और यहाँ सब लोगों से मैं कहूंगा कि सब लोग ये आग्रह करें कि हम केवल सरकार के ऊपर ही नहीं,
हम अपनी भी नैतिक जिम्मेदारी समझें, और कोई हमको अगर इस बात के लिए रोकता है तो पहले तो रोकने का ही समय ना आवे। हम पहले से ही जल सुविधाओं का ध्यान रखें, अपने आसपास इन्वायरमेंटल का ध्यान रखें, लोगों का ध्यान रखें, और हमारा ऐसा कोई कृत्य ना हो कि जिस कृत्य से अगले को परेशानी हो। हमारे धर्म में तो यहां तक लिखा है कि हम फड़ाऊं भी पहनकर इतनी जोर से ना चलें कि दूसरे के कान में वेदना हो। तो सबसे बड़ी मानवता यही है, सबसे बड़ा अध्यात्म यही है, सबसे बड़ा ज्ञान यही है, और सबसे बड़ी व्यवस्था भी यही है कि जितना से ज्यादा हो सके मनुष्य एक दूसरे को खुशी और आनंद प्राप्त करे, ना कि द्वेष और विद्वेष प्राप्त करे। मैं विवेक जी एक चीज यहाँ पर आगे जोड़ना चाहता हूँ सुशी जी और दिनेश आचार्य जी की बात में, क्योंकि आप देखिए कबीरदास जी ने भी यही लिखा, तो क्या उन्होंने जब उस दौरान सवाल इस पर उठाए, या यूं कहिए कि उन्होंने एक दोहा लिखा और उससे ये बताने की कोशिश की कि शोर शराबा नहीं होना चाहिए, तो ये आज से नहीं पहले से बातें उठती रही हैं। नहीं मृदुल जी, बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं। शोर शराबा अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से ऊपर है तो उस पे जरूर रोक लगनी चाहिए। जितना डेसिबल अलाउ किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसी हिसाब से सबको फॉलो करना चाहिए। मैं और यहां पर बैठ के जाति और धर्म की बात तो हम कर नहीं रहे, हम तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता, जिसने आपको इतना बड़ा मैसिव मैंडेट दिया है, उसकी बात आप कब करेंगे? आम जनता की आप कब बात करेंगे? ये सवाल है हमारा, जो रोजमर्रा की लोगों की परेशानियां, उस पर आप कब चर्चा करेंगे, उस पर आप कब बयान देंगे? आप पूरे हिंदुस्तान के चुनाव उठा के देख लीजिए, चाहे बंगाल में हो रहा हो, असम में हो रहा हो, या पहले भी जहां चुनाव हुआ हो, एक ही बस पोलराइजेशन, हिंदू मुसलमान, अली बजरंग बली की सिवा और भगवानों की जाति बताने की सिवा भारतीय जनता पार्टी अपना काम तो कभी नहीं बता पाती। ठीक है, मैं एक आखिरी चीज यासू अब्बास जी से पूछ लेता हूं, वो भी हमारे साथ चर्चा में आ गए। विवेक जी, जहां पर जो बात आपने उठाई, क्योंकि कबीरदास जी भी लिखते हैं, यासू अब्बास जी, कबीरदास जी ने भी यही लिखा, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ा मुल्ला बांग दे रहा, क्या बहरा हुआ खुदा, ये उन्होंने लिखा। तो क्या उस दौरान और आज के परिवेश की अगर बात करें तो ये स्थिति क्यों पैदा हो जाती है? तब उन्होंने लिखा, क्या तब भी उन्हें धार्मिक चश्मे से तौला गया? आज क्यों फिर तौला जा रहा है? देखिए, उन्हीं ने जो लिखा वो जाने, जाहिर बात है, और उस वक्त का मामला था। बहरहाल हमें एतराज़ इस वक्त के ऊपर है, अजान के ऊपर या मस्जिद के ऊपर कभी भी किसी ज़माने में भी एतराज़ हो तो हमको उसका जवाब देना चाहिए। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, अभी भी मैं आपके चैनल पर, मंत्री जी मौजूद थे, मैं ये बात कह रहा था कि हमारे यहाँ हनुमान चालीसा भी होता है, मंदिर में घंटा भी बजता है, मस्जिद में अजान भी होती है। यहाँ के ऊपर हिंदुस्तान के हिंदुओं को कोई तकलीफ नहीं है मस्जिद के अल्लाह अकबर पर। यहाँ मस्जिद के हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंदिर के घंटे के ऊपर कोई तकलीफ नहीं है, या हनुमान चालीसे के ऊपर या लाउड स्पीकर के ऊपर। यहाँ के हिंदुओं को अल्लाह अकबर पर कोई तकलीफ नहीं है, अगर तकलीफ है तो कुछ सियासतदानों को है। हमारे यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया को तकलीफ है, सोनू निगम को तकलीफ है, उत्तर प्रदेश सरकार के एक राज्य मंत्री जी हैं जो थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल गई उनको, फेम मिल गई, मगर अगर से इस तरीके से फेम मिले कि दो दिल टूटें, एक भाई दूसरे भाई से जुदा हो, ये चीज़ अच्छी नहीं है। यहाँ के ऊपर दिलों को जोड़ने की बात होना चाहिए है, यहाँ के ऊपर दिलों को तोड़ने की बात नहीं होना चाहिए ना। मैं आखिरी एक आनंद स्वरूप शुक्ला जी से पूछ लेता हूँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आखिरी में उनसे ही हम सवाल ले लेते हैं, क्योंकि बात इस पर आकर टिकी कि शोर से दिक्कत हो रही है। आनंद जी, अब आप खुद ही साफ कर दीजिए जाते जाते, क्योंकि यासू अब्बास जी ने कहा कि थोड़ा पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा लगता है ये बयान आपका। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमें और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों को जो बेतरतीब आवाज में, जो अधिक आवाज 24 घंटे में कई बार जो आवाजें मस्जिदों से आ रही हैं, अत्यधिक संख्या में जो लाउडस्पीकर लगाए गए हैं, जो ध्वनि की सीमा उनकी बहुत ज्यादा है, उससे दिक्कत हो रही है। अपने वो अजान करें, अपने धार्मिक कार्यक्रम करें, अपने नमाज करें, अपने मस्जिदों में करें, घरों में करें, जहां मन करें करें, उसमें कोई समस्या किसी को नहीं है, लेकिन केवल ऊंची आवाज से, अधिक आवाज से ये दिक्कत है। और निश्चित रूप से ठीक है, बिल्कुल किसी भी शिशु का, बिल्कुल आपका कहना है कि हमें अजान से दिक्कत नहीं है, लेकिन मस्जिद से जो ऐलान बाकी तरह के हो रहे हैं उससे भी दिक्कत है, और बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर की संख्या हो गई उससे भी दिक्कत है। वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो लगातार इस बात को लेकर कहा गया है कि ये विरोध जो है सियासी हो जाता है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हालांकि ये भी लोग कह रहे हैं कि जो तय किया गया है, जो तय पैमाना है आवाज का, उतनी ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।